दुनिया भर में ढंग का, हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, लंदन बनाएंगे मैम। ये है लंदन दिल्ली की। तीन चार किलोमीटर के अंदर जो जुग्गिया है ना, पूरे दान मुश्किल से आपको एक दो दिखेंगे। कई सारे जो बंदे हैं कि ट्वीट किए हैं, इसका कंप्लेंट भी डाला गया कि सर यहाँ पे इतना सारा कूड़ा है, इसको साफ करवा दीजिए। कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। वोट का टाइम आएगा, सारे नेताजी सारे सब आ जाएंगे, कहेंगे हम आपके। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। देखिये, लगातार बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में आपको दिल्ली के उन इलाकों को से आपको अवगत करा रहे हैं जहां पर एक तरफ बात होती है कि विदेश में विकास बहुत हो रहा है, दिल्ली में विकास बहुत हो रहा है, भारी चकाचौंध इमारतों की आपने तस्वीर देखी होगी, लेकिन धरातल की सच्चाई को लेकर के अगर आपको बताएं तो ये तस्वीर है। ये कीर्ति नगर रेशमा कैंप इलाका लगता है और देख लीजिए, बारिश होने के बाद यहाँ की जो सड़क है वो किस तरीके से कीचड़ से लथपथ दिखाई दे रही है, दूर तक का देखिए आप। और इस ये जो एरिया है, आपको बता दें, ये सामान्य लोगों का आने जाने का रास्ता था जो कि अब पूरा कूड़े में तब्दील हो गया है। लगातार शिकायतों के बाद भी अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पर आम जनता को इससे कितनी दिक्कत हो रही होगी आप समझ सकते हैं। सामने एक जिस तरीके से टेम्पो आ रही है आप देख सकते हैं, हालत किस तरीके से खस्ता हो रखी है इस पूरी जगह की, कितना ये बीमारियों का सबसे बड़ा अड्डा बन रहा है। आपको पीछे दिखाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कॉलोनियां भी हैं, तमाम चीजें हैं। ये इलाका जो है अगर देखा जाए लोगों से भरा हुआ है। हालांकि बोला जाता है कि कूड़े का जो एरिया है वो घरों से थोड़ा दूर होना चाहिए ताकि जो गंदगी है वो ना दिखाई दे, लेकिन घरों के सामने ही कूड़े को, एक अमान जो सामान्य रास्ता था आने जाने का, उसको कूड़ों में तब्दील कर दिया गया है। पार्किंग एरिया भी बना के रख दिया गया है और बची खुची गलीमत जो है सुलभ शौचालय से यहाँ तब्दील कर दी गई है। ये देख सकते हैं खस्ताहाल जगह, लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं उनसे, जानते हैं कि क्या कुछ बताएंगे। क्या लगता है, लगातार इस तरीके से जिस तरीके ये पूरी जगह को उन्होंने कूड़ा करकट बना करके रख दिया है, कब से ऐसा है? ये कई दिनों से चल रहा था काम, सफाई भी हुई है बराबर, उसके बाद यहाँ के लोग नहीं मानते हैं, मना करने के बाद लटते हैं उल्टा के, ये तुम्हारे बाप की जमीन है, यहाँ सब फेंक रहे हैं, सब मूत रहे हैं, हम भी करेंगे, क्या कर लोगे तुम, किस किस से लड़ाई झगड़ा करेंगे हम, ये बात है, किसी को रोक नहीं सकते यहाँ पे कोई भी। यहाँ पे मेन गेट पे गार्ड नहीं बैठेगा, नहीं मना करेगा तो कूड़े कटकट जमते रहेंगे हर बार। यहाँ पर जो गार्ड है जिसकी ड्यूटी लगती है वो लगातार बैठते नहीं है? नहीं, गार्ड रहता है, गार्ड भी क्या करेगा बेचारा अकेले रह करके, यहाँ के लड़ने लगते हैं। अच्छा। अब मुझसे कोई लड़ने लगेगा तो आप आओगे नहीं बचाने के लिए, आप देख के दूर से खड़े होकर तमाशा देखोगे, बस तमाशा देख के चले जाओगे, वो मुझको मार पीट के निकल जाएंगे, फिर ये होता अक्सर है। यहाँ के लोगों में भी कमी है तो यहाँ पर आते कूड़ा फेंकने के लिए उनको मना किया जाता है तो वो जबरदस्ती फेंक के चले जाएंगे। जी गार्ड फेंक, रोड बनवाओ ना, जब दिल्ली जल बोर्ड आपका पूरा अपना ही है तो आप यहाँ से लेकर वहाँ तक रोड क्यों नहीं बनवा रहे आप? रोड बनवाओ, जब रोड साफ रहेंगे तो कूड़ा हम क्यों फेंकेंगे यहाँ पे भाई? पहली बात, हम क्लस्टर एरिया में रहते हैं। आपने शिकायत करी क्योंकि ये आमूमन तौर पर देखा जाए ये एक लंबा चौड़ा रास्ता है और आने जाने वाला रास्ता जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, सामान्य रास्ते बतौर ये दिख रहा है। मैम, हम तो ये कहेंगे सीधा सी बात है, ये वैसे मेरे को आते यहाँ 14-15 साल हो गए रहते हुए, जब से मैं, अब तो थोड़ा वो साल पहले तो इतना गंद था ना, मैं ही जानता हूँ यहाँ पर ही बगल में, पहली बात यहाँ लाखों के जनसंख्या में जुग्गियाँ हैं, ऊपर से बहुत सारे आदमी रहते हैं, अब वो जाए तो जाए कहाँ, वो यहीं फेंकने आएंगे। कूड़ेदान एक है मंडी में, बहुत सारे मतलब वहाँ तो जाएंगे नहीं। पहली बात, 3-4 किलोमीटर के अंदर जो जुग्गियाँ हैं ना, कूड़ेदान मुश्किल से आपको एक दो दिखेंगे, तो जाएगा इलाके में कूड़ेदान के लिए केवल एक ही है, तो मंडी में ही है बस। रोजाना गाड़ियां आती हैं, अभी हमने देखा कि गाड़ियां भी आई थी कूड़ा उठाने वाली, तो क्या वो कूड़े नहीं ले जाती हैं? ले जाती है बट, लेकिन आप यहां से उठवाओ जब तो ले जाएंगे वो। हाँ। यहां आप कूड़ेदान बनाओगे या तो कहीं साफ मतलब साधन दो, आप इस गली में देख लो आप कैसे जाएंगे, हम बारिश होने के बाद ना बिल्कुल नहीं चलेगा होता मौका। अब देख लो प्यार मेरे, नीले पीले हो गए कादों में, अब वहां पर जाए तो जाए कैसे, बहु बेटियां सबके हैं, उतना लंबा तो जाएगा नहीं कोई, अगर हम हैं तो चलो हम चले गए फेंक दिए। और पहली बात, कोई पन्नी हाथ में ले तो शर्म करता है कि मैं, हम कहाँ ले जाए शर्म के मारे, कूड़ा लेके जा रहे घर से, आए नजदीक फेंक दिए। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि आप बनाओ नजदीक में सुविधाएं दो, खाली वादा करने से नहीं होता है, समझ गए? दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार है तो उसको मैं बोलूंगा, काम नहीं कर रही है। उन्होंने शिकायत करी आपने एमसीडी में, नाले डेली भर जाते, वो तो सुनने से रहा और दुनिया की बातें खत्म हो रही, कोई नहीं आता है जी, जब तक जाएंगे नहीं, अब तक नहीं जाता कोई। मैम, अभी हमारे जो इधर के विधायक हमारे शिवचंद गोयल जी, उन्होंने भी पीछे क्लस्टर एरिया में रोड बनवाए हैं,
रोड ऐसा बनवाया है कि आपको क्या बताया, जैसे कहते हैं ना केजरीवाल जी हम दिल्ली को झीलों की नगरी बनाएंगे, वैसा झीलों की नगरी बनाया दिल्ली को। इतने इतने मंदिर में पानी लग रहे हैं और एरिया लोग पूरे परेशान हैं। ठीक है मैम, पहले था क्लियर था, वहाँ नाली नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन जब से रोड बनाया वहाँ पर, रोड ऐसे बने हैं कहीं रोड ऊँचा है कहीं नीचा है कहीं गड्ढा है कहीं सही, मतलब रोड का सत्यानाश कर दिया एरिया का पूरा वहाँ पे। उससे बनाए नहीं नक्शा मैम, वहाँ जेईई होता क्या उनको कुछ पता ही नहीं है। जेईई होता क्या कुछ पता ही नहीं है, खुद ही मिस्त्री है, खुद ही जेईई है, कुछ खुद ही यही है, लेबर को भेजी लेबर, खुद ही जेईई सब बन गए, रोड बना दिया। अभी पानी भरा। आप चलिए मैडम आपको दिखाता हूँ मैं, आप देख के तंग रह जाएंगे कि झुग्गी में लोग रह कैसे रहे। जैसे बोलते ना केजरीवाल जी हम दिल्ली को झीलों की नगरी बनाएंगे, उन्होंने बना दी मैम झीलों की नगरी, फ्री में दिल्ली की नगरी को झीलों की नगरी बना। जुमलेबाजी का नतीजा देख लीजिए, तमाम जुमले मैडम दुनिया भर में डंका, हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, लंदन बनाएंगे मैम, ये है लंदन दिल्ली की, कितनी अच्छी लंदन दिल्ली की, हम कैसे मैम हमें पता है हमारी जिंदगी कैसे कट रही है, हमें शर्म आती है मैम यहाँ रहने में। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, बीकॉम फाइनल है मेरा और आईटीआई पास लड़का हूँ मैम, मैं कहाँ जाऊँ बताओ, हम ऐसे निकलने में शर्म आती है, हमारे दोस्त रहने में शर्म आती है, हम कैसे रहेंगे मैम, हम कैसे, हम यहाँ पर जिंदगी काट रहे हैं, हमें पता है मैम इधर हमारी तो हम मैम मैं पैदा हुए 22 साल का हो गया मैम, पैदा यही हुआ मैम। मैं शिकायतें करी हैं मैम, शिकायतें रोज ट्वीट करते हैं, अभी ट्वीट में पिछली बार किया हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको ट्वीट, अभी ट्वीट किया मैंने, इसमें कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई ट्वीट दिखाता हूँ मैम आपको, मैं अभी मैंने ट्वीट किया कुछ दिन पहले यहाँ पे। देखिए कहा जाता है दिल्ली सरकार जो है बड़ी एक्टिव रहती है, सोशल मीडिया से भी जो है लोगों को लगातार जो उनकी समस्या उनको सुनती रहती है। इन्होंने ट्वीट किया हुआ था लेकिन उसके बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है, यहाँ आम लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप देख सकते हैं, कैमरे में दिखाइए, देखिए साफ तौर पर इन्होंने ट्वीट किया है। और ट्वीट इन्होंने किस तारीख को किया है, मैंने 10 जून को किया, 10 जून का ट्वीट है, आप समझ सकते हैं 10 जून से 26 जून आ गई, यानी कि 16 दिन बीत चुके हैं और 16 दिन में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कई सारे जो बंदे हैं कि ट्वीट किए हैं, इसका कंप्लेंट भी डाला गया कि सर यहाँ पे इतना सारा कूड़ा है इसको साफ करवा दीजिए, कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं हुआ, रोज इतना गाड़ी, अभी आप यहाँ रोड पे जाइएगा मैडम, यहाँ भी पानी भरा है, यहाँ पे आप भी देख लीजिए यहाँ पानी भरा हुआ है मैडम, और यहाँ थोड़ा मंदिर के पास जाइएगा वहाँ भी पानी, जो कि मंदिर पवित्र जगह है उसका ना वहाँ कहीं रोड बनवा के वैसे छोड़ दिया गया है, और यहाँ पे देख लो यहाँ से वहाँ तक बंदे को आने जाने में, झुग्गियों के अंदर से आने जाने में वो सोचते हैं झुग्गियों के आदमी कुछ नहीं, आज झुग्गियों की वजह से वो क्या नाम मुख्यमंत्री बने हैं, और यहाँ से वहाँ तक पूरा कूड़ा, हम सब कीड़े मकोड़े हैं क्या, कीड़े मकोड़े समझा जाता है, अरे हमको कम से कम जैसे आम तौर पे आम आदमी जी रहे हो वैसे हमको जीने का, आप तो बोलते हैं आम आदमी पार्टी ये है वो है, क्या है ये, ऐसा रहेगा मैम, आम लोगों की सुनवाई सुनते हैं हम लोगों के लिए, अगर आप सुनवाई होता तो मैडम ये हालात हम ये कचड़े में ऐसे नहीं चलते, वो कहते हैं दिल्ली को स्वच्छता बना देंगे, ये बना देंगे, यही है स्वच्छता, आप इधर दिखाइए देखिए पूरा आप देख सकते हैं, और हमारे भाई लोग आने जाने में यहाँ रोटी शाम सुबह मैडम काम करके आते हैं, आने में यही मेरे बच्चे दो बीमार पड़े हैं उनको देख लो, अभी मेरा लड़का बीमार है आप चल के देख सकते हैं, यहीं पे रहते हैं, और पूरे यहाँ से वहाँ तक पूरा कूड़ा ही कूड़ा है, अभी वहाँ थोड़ी दूर पे जाइएगा देखिएगा पूरा कूड़ा भरा हुआ है, इतना पानी है इतना, और पानी भरा हुआ मैडम, परसों एक लड़का गिर गया वो भी परेशान, हम सब कैसे कैसे जिंदगी काट रहे हैं, आप भले भांति जान सकते हो मैडम देख रहे हो। देखिए लगातार बात हो रही थी सफाई की, दिल्ली की चमकती रोशनी बाहर जो आपको लगातार दिखती रहती है उसका एक जो है यहाँ पर नतीजा आप देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर बीमारियों का एक पूरी तरीके से अड्डा बन चुका है। हाल ही में अभी पूरी दुनिया कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से गुजरी है, लेकिन उसके बाद भी अगर बीमारियों का अड्डा इस तरीके से दिल्ली शहर में पनपेगा, यहाँ के लोगों के लिए कितनी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। साथ ही में यहाँ पर आपको दिखा दें एक दुकान भी है, और दुकान पे भी अगर देखा जाए तो किस तरीके से यहाँ पर गंदगी पूरी फैली हुई है, आखिर वहाँ पर कौन लोगों के सामने जो है सामान लेने आएगा, और गंदगी किस तरीके से जो है तमाम दिक्कतों, जैसे अभी इन्होंने हाल ही में बताया कि उनके बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस पर कार्रवाई ना होना, और जहां सरकार लगातार बोलती है कि हम सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं सबकी सुनवाई करते हैं, लेकिन कहां है सुनवाई, क्या आता है कि लोग इलेक्शन में यहाँ जिंदा है, लोग भी रहते हैं यहाँ पे, वोट का टाइम आएगा सारे नेताजी सारे सब आ जाएंगे, कहेंगे हम आपके इलेक्शन निकलते कौन आम आदमी पार्टी कौन कुछ नहीं देखती है मैम, हम लोग कैसे रह रहे हैं मैम आपको हम बता नहीं सकते। मतदान की समय आता है तो हाथ जोड़ करके नेता बड़ी खूबसूरती से लोगों के सामने आ जाते हैं और एक ही बात बोलते हैं, हमें मतदान करिए आप सुख में रहेंगे,
देख लीजिए सुख यही है। अब देखते हैं कब होती है कार्रवाई इसको लेकर के। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर, कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।